तो मेरा नाम स्नेह है और मैं गाने से शुरू हूँ। ये मैंने खुद से लिखा है, थोड़ा जज कर लेना, अब बताना कैसे। अनजाना सा ख्वाब है, दीवारा शबाब है, महकती किस शाम है, बेजुबान भी जुबान है, हरकते अनजान है, ये कह रहा अब जाम है कि तू जम जा। अनजाना सा ख्वाब है, दीवारा शबाब है, देखो इसे क्या हुआ है, ये दिल अनजाना बह, कहीं खो न जाए पल हसी। अनजाना सा ख्वाब है, दीवारा शबाब है। तो अब मेरी पोयम स्टार्ट करती हूँ मैं। 1 जनवरी 2016, तो जज कर रहे होगे किसी लड़के पे लिखी है, आगे सुनना। 1 जनवरी 2016 का वो दिन जो किसी को पता नहीं था, जिंदगियां दांव पर लगा दिया। शायद कुछ लोगों को पता था कि पूरा आईएफओ स्टेशन पठानकोट क्या सहेगा, क्योंकि वो तैयार थे उस दिन मर मिटने के लिए, अपनी वतन की शान के लिए, अपनों की जान के लिए। 1 जनवरी 2016, मैं पड़ोस के बच्चों के साथ पार्क में खेल रही थी। बात इतनी संगीन होगी ये मुझे मालूम न थी, जब एक गार्ड ने आके अनाउंसमेंट की कि सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाएं और अंदर ही रहें। मालूम नहीं था कि इसका मतलब क्या कहें। पापा दोपहर के सायरन से ही ड्यूटी पे थे, रात तक हल्की फुल्की अफवाह कि कुछ आतंकी अंदर थे। रात के 3 बजे अचानक माँ के सिसकियों ने उठाया, खिड़की के बाहर था हेलीकॉप्टर और आतिशबाजियों का साया। कुछ देर बाद समझ आया कि ये पटाखे नहीं नए साल के जंग का आगाज था, दो देश के रंजिशों का साज था। टीवी पे सुबह 7 बजे तक कोई खबर न थी, वो 4 से 7 बजे का समय 3 दिन के तक चलेगा, खबर न थी। सूत्रों के अनुसार कुछ जवान शहीद हो गए, शहीद कहीं पापा, ये लफ्ज मेरे जहन से ना जाएं, इंतजार की पापा की कोई कब खबर आए। घटना स्थल मेरे पापा के ऑफिस से था नजदीक, क्या वो सही में होंगे ठीक। हाँ, ये दिलासा मैं अपने माँ भाई बहन और खुद को दे रही थी। फिर 3 दिन बाद अपने ही घर में कैद होने के, जब घर की घंटी बजी जिसकी आवाज सुनो मानी सदियां बीत गई थी, मेरे पापा खड़े थे। हाँ, तो अब प्यार पे आ जाते हैं। ऐसा होता है ना, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, कोई बात नहीं, ये भी हैप्पी एंडिंग है। नहीं, जरूरी नहीं, सुनो बेटा आगे। तो अभी मेरे ब्रेकअप हुआ है, 10-11 महीने हो गए हैं, पर क्योंकि उसकी एक्स जो उसकी अभी गर्लफ्रेंड है, उसने मेरे को मैसेज किया, तो मैं कहा चलो लिख देते हैं कुछ, काफ़ी फील कर रहे हैं। भरी सी खाली हूँ मैं, रंगीन से दिख रही बेरंग कहानी हूँ मैं, जो प्यार का ताजमहल तुम बना के गए थे, उस खंडर की आज भी रानी हूँ मैं। बिखर तो पहले ही तकरार से गए थे, जो तुम्हारे तमाचे के वो लफ्ज सहे थे। हाँ, प्यार अंधा होता है, वरना मान न लेती सम्मान के जो दो शब्द माँ ने कहे थे। बावली सी हो गई थी, सपनों के भवन में खो गई थी, क्या सच क्या झूठ, क्या गलत क्या सही, क्या गम क्या थी खुशी, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं। कुछ वक्त लगा, थोड़ा दोस्तों ने सहा, कई जाम चले, कई दिल जले, जैसे हर वक्त की जवानी होती है, हर पहलू की कहानी होती है। ऐसा होता है ना, ब्रेकअप के बाद आप सीखते हो, कुछ ना कुछ तो सीखते ही हो। ये सीख मेरे दिल के मैखाने में मगरूर है, तू नहीं पर तेरे जैसा आज भी मंजूर है।